एस फाइल पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और 2 बजे के आसपास ये सुनवाई होगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं किस तरीके से फतेहगढ़ साहिब से खबर आ रही है। ड्राइवर की लापरवाही के चलते हादसे का शिकार हुई है स्कूल बस, ये जानकारी मिल रही है। और बस में सवार 30 स्कूली बच्चों को चोटें आई हैं, 2 बच्चों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और 2 बच्चों को चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जबकि 7 बच्चों को समराला के अस्पताल ले जाया गया है। 30 स्कूली बच्चों को चोटें आई हैं, ये जानकारी मिल रही है। 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, चंडीगढ़ इनको रेफर किया गया है। 7 बच्चों को समराला के अस्पताल में रेफर किया गया है, भर्ती किया गया है, माफ कीजिएगा। और फतेहगढ़ साहिब से ये खबर है जहाँ पर हादसे की शिकार हुई है स्कूल बस, और इस हादसे की वजह से यहाँ पर कई बच्चे जो हैं वो इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं। हरप्रीत सिंह जी मीडिया संवाददाता फतेहगढ़ साहिब से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हरप्रीत, कैसे हुआ ये हादसा? स्कूल पटाला जो समराला नजदीक पड़ता है, वहाँ की बस सुबह बच्चों के लिए जब जा रही थी तो बरवाली गांव के पास बस हादसाग्रस्त हो गई। उसका कारण यार ये कहा जाता है कि जो ड्राइवर है उसकी अनगहली के कारण ये हादसाग्रस्त हुआ जी। और आप जो स्कूल में, माफ कीजिएगा, स्कूल बस में सवार जो बच्चे थे उनके बारे में अभी क्या जानकारी है? स्कूल बस में 32 के करीब बच्चे थे, उनमें से 7 बच्चे जो हैं उनको चोटें आई हैं और उसमें 2 बच्चों की हालत गंभीर थी, जिनको कि चंडीगढ़ के फोर्टिस हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। बच्चों के नाम है गुरसिमरन कौर, जो कि 10 साल की थी, 6 साल में पढ़ती थी, और उनका एक भाई था अर्जुन जोत, जो कि 8 साल का था और 4th क्लास में था। वो दोनों को गंभीर चोटें आई है, उनकी वजह से उनको फोर्टिस में दाखिल करवाया गया है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।